पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह सदावा ने आखिर अकाल तख्त साहब तो क्यों माफ़ी मंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो माफ़ी मंगने लिए किन्हां ने मजबूर किया, इस लैके मैं जसविंदर पाल चैनशान पंजाबी तुहाडा स्वागत है। तो करते हैं पंजाब विधानसभा के स्पीकर बीती रात अकाल तख्त साहब गए जिते उन्होंने माफ़ीनामा दिता। तुहानू दस दईए ये माफ़ीनामा उन्होंने एक निम्रत भरे अंदाज विच आख्या कि उन्हां तों गलतियां हुई ने, वह गलती का पुतला ने, तो नमाणे इंसान नाते अपनी गलती की खीमा जाचना कर श्री अकाल तख्त साहब आए ने। आखिर यह जा की हो गया कि रातों रात पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह सदावा नूं माफ़ी मंगनी पई। एक कुछ दिन इलैक्शन दौरान की घटना है बठिंडा विच, जदों कुलतार सिंह सदावा एक समारोह विच गए, गऊशाला च समारोह चल रहा सी जिथे उन्हां तों गऊ पूजा कराई गई। गऊ पूजा दौरान उन्हां नूं आशीर्वाद दवाया गया, गऊ तों आशीर्वाद दवाया गया, जाने कि पूंछ राही उन्हां दी दस्तार ते आशीर्वाद दे के मंत्रां दा उच्चारण किया गया। तो उन्हां दी मतलब सफलता लई एक पूजा भी की गई। तुहानूं दस दईए कि हिंदू धर्म विच इसकी एक मानता है। आखिर जदों ये सारे घटनाक्रम की वीडियो वायरल हुई तो फिर एकदम ही उचाल आ गया, सिख बुद्धिजीवी सिख संगतां विच रोस आ गया कि आखिर यह पूजा होई क्यों, यह सिख मर्यादा के खिलाफ है। एक सिख नूं गऊ तों मतलब अपनी दस्तार ते पूंछ तों आशीर्वाद लेना, गऊ की पूंछ तों आशीर्वाद लेना सरासर गलत है। आखिर इस ते विरोध वादा देख के ही श्री अकाल तख्त पुजे कुलतार सिंह सदावा, उन्होंने रातों रात उत्थे माफ़ीनामा दिता। माफ़ीनामे विच उन्होंने इस सारी घटना की माफ़ी मंगी। उन्होंने कहा कि वह सारे धर्मां दा सत्कार करते हैं, तो नाल नाल वह पूजा जो शामिल होया जे उहदे विच भुल होई है तो वह माफ़ी भी मंगते हैं, क्योंकि वह किसी दीआं भावनावां नूं ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। वह तो खुद गुरु के सिख ने, ते गुरु के सिख होने के नाते वह निम्रता सहित इस नूं अपनी गलती मानते हैं, तो इस तों लई वह माफ़ी भी मंगते हैं। तो हुण उन्हां दे माफ़ी मंगण नाल की विवाद खत्म हो गया जां फिर विवाद खड़ा ही रहेगा, क्योंकि इस समय जे देखा जाए तो यह एक पोलीटिकल मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि पोलीटिकल पार्टियां हमेशा ही कोई ना कोई हमला अपने विरोधी ते धर्म के नाते जरूर करते हैं। तो SGPC विच भी कुछ बंदियां ने इसका विरोध किया, जाने के इशारा यह भी समझा जा रहा है कि कुलतार सिंह सदावा नूं घेरन वास्ते उन्हां दे विरुद्ध विरोधी दल जो कि सिमट के रह गया उन्हें सीधे रूप में हमला करने की कोशिश की, परंतु कुलतार सिंह सदावा ने इस ते अपनी सहर्दा दिखाते हुए माफ़ी मंगी। तो उन्होंने कहा कि वह गुरु सिख ने, तो गुरु मर्यादा च विश्वास रखते हैं, तो वह माफ़ी मंगते हैं, परंतु नाल नाल उन्होंने ये भी कहा कि वह सारे धर्मां दा सत्कार करते हैं, तो इस करके एक राजनेता होने के नाते उन्हां दा हर फंक्शन च जाना, हर धर्म के लोगों की पूजा शामिल होने का भी एक कारण हुंदा है ताकि वो सारे धर्मां विच विचर सकन। परंतु उन्होंने ये भी माफ़ी मंगी कि उन्हां तों ये भुल हुई है कि जिहड़ी दस्तार ते वो गऊ की पूछ वाई गई वह उन्होंने सचमुच कितना कित अवेलना हुई है, इसलिए वह माफ़ी दे जाचक ने। वड्डी कृपा की जो भी नियामत बख्शी है सच्चे पातशाह अकाल पुरख ने बख्शी है, और दास को विचरद्या बड़िया गलतियां भी होंदिया, तो गुरु बख्शनहार है। फिर सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना राखस देते, राह मैया हो बारक तेरा काहे ना खंडस अवगण मेरा। मैं शुकराना भी करना है, तो आपकी भुल भी बख्शा है, जाने जाने गलतियां भी होंगे, गलतियां हो मतलब गलती का पुतला है जी मैं, और पंथ नू मैनू लगता भी इस निमाणे जे दास तो कुछ उम्मीद है।
बड़ी वड्डी जिम्मेवारी बख्शी है। सो पंथ ग्रह रीतां दी पहरेदारी करना भी उन्हां विचों इक आ। सो गुरु मैनूं बल बख्शे कि मैं सारे धर्मां दा सत्कार करदा होया, गुरु दा हुक्म है सारिआं दा सत्कार करदा होया, इह जिहड़ा आपदा फर्ज है इहनूं निभावां। हुण देखणा इह है कि इह मामला माफ़ी मंगण तों बाद खत्म हुंदा है जां होर भखदा है, इह हजे सवाल है। इस सवाल नूं लै के मैनूं दिओ इजाजत, तुसीं देखदे रहो चैनल शान पंजाबी, मान पंजाब दा धन्नवाद।